रमजान महीना शुरू होने से हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की हेडक्वार्टर में दावत एकता देते हैं। वो नारायणगढ़ में आज हमारे हरीश राव साहब प्रिंसर साहब की सदारत में आज बड़ा प्रोग्राम कर लिए हम। यहाँ पर हजारों लोग यहाँ इफ्तार के लिए आए हैं और हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट मुसलमान लोगों को क्या क्या कर रहे हैं तो पूरा हम लोगों ने बताया। तेलंगाना गवर्नमेंट मुसलमान लोगों की पढ़ाई के लिए हम लोग रेजिडेंशियल स्कूल्स यहाँ पर इस्टेब्लिश करें और हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट में ईदगाह के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग अमाउंट दे रहे हैं और ये कब्रस्तानों को कंपाउंड वाले बना रहे, ईदगाह बना रहे और मस्जिदें भी बना रहे और बहुत सारे फील्ड के लिए हम लोग मुसलमान लोगों के लिए स्ट्रीमिंग मिशन भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे और शादी खाना बना के दे रहे। ये जो शादी मुबारक बच्चे का शादी हो गया तो 1,16,000 रुपये शादी मुबारक अमाउंट भी हम मुसलमान के बच्चों के शादी के लिए दे रहे। ये जो स्कीम्स हमारा तेलंगाना स्टेट में है, इंटर इंडिया में किधर भी ये स्कीम्स हैं, तेलंगाना में माइनॉरिटी कल्चर के लिए हम लोग बहुत एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। माइनॉरिटी पीपल के लिए माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लगा के लोन सब पूरा दे रहे हैं। ये फर्स्ट भी तो पूरे मुसलमान लोगों के लिए हम लोग बहुत सारे इंतजाम कर रहे हैं। मौजम और इमाम लोगों के लिए तनख्वाह भी हम लोग महीने महीने को तनख्वाह भी दे रहे हैं। ये स्कीम तो ये भारत देश में और कौन सा भी राष्ट्र में नहीं है। एक कैश हायर एजुकेशन भी हमारे पास रेजिडेंशियल स्कूल में तो केवल 10वीं कक्षा तक इंटरमीडिएट भी है और डिग्री भी बढ़ाने वाले हैं। वैसा एजुकेशन हायर एजुकेशन भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक बच्चे को 1,20,000 सालाना खर्च करके इंग्लिश मीडियम पढ़ाई और अच्छा खाना दे के हम लोग पढ़ाई भी दिखा रहे बच्चे लोग दिला रहे बच्चे लोगों को। बहुत सारे स्कीम्स हमारे तेलंगाना में हैं। सब लोग इसका फ़ायदा उठा के मुसलमान लोग फाइनेंशियली डेवलप हो जाना बोल के मैं रिक्वेस्ट कर। सर ये TRS BRS बनने के बाद कर्नाटक में भी एंट्री करा सर, इससे पहले अभी आने वाले इलेक्शन है MLA के, तो अभी आप कर्नाटक में भी लड़ रहे हैं क्या? हाँ, कर्नाटक में भी हमको डेवलप करना है। हमारा मुख्यमंत्री जी थोड़ा महाराष्ट्र में मशहूर है और उन्होंने क्या डिसीजन लेने वाला है कर्नाटक में इस बार असेंबली इलेक्शन में कांटेस्ट करते नहीं करते। इससे पहले तो उनका इरादा कांटेस्ट कराना बोल के था और फिर भी मैं आज जब वहाँ पर कर्नाटक में जो पब्लिक में BRS के हाइक में जो जोश है वो साहब को मुख्यमंत्री जी को बता के हमारा हरीश राव साहब भी बुलाया है। हमारे मंसूर अहमद साहब को आओ बोल के बोले, तबरी से बात करेंगे बोल के बोले, वो पूरा बात करके हम लोग फाइनल करेंगे। ठीक है।